क्लास एट मैथ एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स क्वेश्चन क्या है? देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, लेकिन वो क्या है, थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है ऐसा, ठीक है, रिजर्व फॉर ए स्कूल, ये स्कूल के लिए रिजर्व है इन मोहली विलेज। मोहली विलेज में है एक्चुअल में ये रेक्टेंगुलर प्लॉट, ठीक है। तो द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन रेशियो 11:4, ठीक है, 11:4, ठीक है। तो 11:4 का मतलब क्या हुआ कि जितना भी ये लेंथ है, जितना भी ये ब्रेथ है, उसमें क्या रेशियो आता है 11, जैसे ये 44 कितना हो जाएगा 16, इस तरह का कुछ वैल्यू है कि जब भी हम इसको काटेंगे तो कितना होगा 11:4 आएगा। तो इस रेशियो में ये है, तो जब भी रेशियो में होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसी को हम x बनाते हैं, भाई ये लेंथ 11x है और ब्रेथ 4x है, सीधा ही बना लेते हैं क्योंकि हमको मालूम है कि रेशियो इससे ही निकल जाएगा, ठीक है। एट द रेट 100 rupees पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत एट 75,000 टू फेंस। इसको फेंस करने के लिए 100 rupees के कॉस्ट पे क्या हुआ, टोटल 75,000 rupees लगा, ठीक है। 75,000 rupees जो है टोटल कॉस्ट आया, रेट जो था वो रुपीज 100 पर मीटर था, तो टोटल कॉस्ट जो है 75,000 rupees लगा, ठीक है। तो ये कितने मीटर है, तो व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट, प्लॉट का डायमेंशन क्या है, प्लॉट का डायमेंशन क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमको पेरीमीटर निकालना है चारों साइड का, क्योंकि फेंस जब भी होगा वो किनारे साइड में होगा, पेरीमीटर में होगा, ठीक है। तो पेरीमीटर निकालना है और फिर हमको वैल्यू बताना है, ठीक है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, निकालते हैं इसको, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट क्या है, 11x। क्यों, क्योंकि 11 रेशियो 4 दिया हुआ है, तो हम सीधा 11x और 4x सीधा ही ले लेंगे, उसे हमारा इजीली निकल जाएगा, ठीक है। और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, ओके, 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 into लेंथ 11x है और ब्रेथ 4x है, तो क्या हो जाएगा वैल्यू, 2 into 15x इज इक्वल टू 30x, ठीक है। चूंकि ये लेंथ में है इसीलिए इसको मीटर्स में शो कर दीजिए, ठीक है, मीटर में शो कर दीजिए। मीटर में शो क्यों करेंगे, क्योंकि यहां पे क्या दिया हुआ है, एट द रेट 100 पर मीटर, इसमें जो यूनिट दिया हुआ है मीटर के में यूनिट दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, मीटर में इसको शो कर देंगे, सारा का सारा मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू कितना हो गया, 30x मीटर, ठीक है, ये पेरीमीटर आ गया, ठीक है।
और पेरीमीटर ऑफ और कॉस्ट ऑफ फेंसिंग जो है वो हमारा ₹100 पर मीटर है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना है, ₹100 पर मीटर, ठीक है। ₹100 पर मीटर जो है कॉस्ट है किसका, फेंसिंग का, ठीक है। ठीक है, और हमारा क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग कितना है, ₹75,000, ठीक है। ₹75,000 हमारा फेंसिंग का टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट जो है 75,000 रुपीज, वही इक्वल टू है, टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग इक्वल टू 75,000 रुपीज इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 30x मीटर, ठीक है, इनटू, क्योंकि 30x पेरीमीटर है, इनटू 100 रुपीज पर मीटर होगा। टोटल अमाउंट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू 75,000 दिया हुआ है बुक में, अब वो इज इक्वल टू कितना होगा, 30x हमारा लेंथ है, 100 रुपीज पर मीटर फेंसिंग होता है, तो 100 रुपीज पर मीटर होगा, तो 100 रुपीज का 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर हुआ, फिर 1 मीटर हुआ, वैसे 100 100 100 ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। कितने टाइम्स होगा ये, कितने टाइम्स होगा, क्योंकि 30x मीटर है इसलिए 30x टाइम होगा, तो 100 into 30x सीधा हो जाएगा, तो 30x into 100 इसका वैल्यू हो गया। अब हमको इसको सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये हमारा आ गया, और ऐसा लिखेंगे, और 30x इज इक्वल टू 75,000, ठीक है। ये आगे हो या ये आगे हो, बात बराबर ही है, इज इक्वल टू में कोई फर्क नहीं है। तो 3000x इज इक्वल टू 75,000 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिवाइडिंग DIVIDING डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1000, ओके। तो 3030 कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 3030 कैंसिल हो जाएगा, या 1000 वन जा 1000 1000 थ्री जा 1000, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया 3x, ओ सॉरी, हम यहां क्या करेंगे, सीधा 3000 से ही डिवाइड कर देंगे, एक बार में कट जाएगा, ठीक है, दोनों साइड में 3000 से डिवाइड कर दीजिए तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3030 कट गया, ठीक है, और 3 से कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 1 3 5 जा 50, 25 टाइम्स में सीधा ही वैल्यू आ गया, दो बार करने की जरूरत नहीं, एक्स इक्वल टू 25, ठीक है। एक्स हमने क्या माना है, क्या माना है, एक्स हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट को क्या माना था, 11x, सो क्या लिखेंगे, सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू कितना है, 11x इज इक्वल टू 11 इंटू 25 इज इक्वल टू 275, क्या आएगा ये वैल्यू, मीटर में, ठीक है, पर मीटर हमारा फेंसिंग रेट था, ठीक है। और ब्रेड्थ कितना होगा,
width of rectangular plot is equal to 4x था हमारा, हमने माना था 4x, तो 4 into 25 is equal to 100 meter, ठीक है, यही इसका dimension है, length और breadth इसका dimension है, so value क्या 275 और 100 meter इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, ठीक है।